चार धाम यात्रा के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस खास बुलेटिन के दिन मैं बात करूं माँ गंगा यमुना की पुकार बद्री केदार का श्रृंगार, ये टाइटल चार धाम यात्रा पर अफसरशाही और राजशाही की उड़ी नींद, आनंद फानन में सुचारू और मजबूत व्यवस्था बनाने का सरकार का प्रयास जारी। और करेंगे आज पूरी धामों को लेकर के बात, चारों धाम, जहां पर पूर्व में मेरी टीम की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अभी वर्तमान में भी क्या है अभी धामों के हालात, मूल कारण की भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतनी भीड़ और जाम जो लग जाता है क्या है वजह, कहां हुई है चूक, क्या इसकी वजह जो भी लोकसभा चुनाव चल रही ये वजह है, ये नेताओं का प्रचार प्रसार में बहुत बिजी हो जाना, अफसरशाही का चुनाव में इंगेज हो जाना। हालांकि ये खबरें बराबर पूर्व से देखी जाती हैं, अब की बार ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात, चार धाम यात्रा सुगम एवं सुखमय निगरानी समिति का हो गठन पर खास फोकस रहेगा हमारा। एक फोर्स टाइप का एक समिति बनाई जाए जो चारों धाम, क्योंकि धार्मिक तौर पर लोगों के, हजारों लोगों के रोजगार के तौर पर सरकार की ये जिम्मेदारी होती है, और कि ऐसा एक गठन हो समिति का जिसमें पुलिस प्रशासन, राजनेता, स्थानीय लोग, जिला पंचायत से लेके, ऐसा एक समन्वय बनाया जाए, समिति का गठन किया जाए जो चारों धाम की सरकार को बराबर समीक्षा रिपोर्ट दे। उसमें टॉप क्लास अधिकारी से लेकर के और जो पीआरडी का जवान अपनी सेवा देता है, यदि मैं पुलिस विभाग की बात करूं, खाकी वर्दी की बात करूं, बहुत अच्छा काम धामों पर देखा जाता है पुलिस के द्वारा। उनमें हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग है, खास तौर पर पीआरडी के जवान जिनको कई महीनों में तनख्वाह मिलती है, वो भी एकाग्र चित्त से ड्यूटी देते नजर आए हमें। होमगार्ड के जवान, पुलिस के जवान बेहतर काम करते नजर आए, ईमानदारी से लोगों का पर्स छूट जाता है पैसा लौटाने, तमाम खबरें बराबर हमारे कैमरों में कैद होती रहती है। लेकिन जानेंगे अब की बार ऐसा क्या हुआ कि सरकार मानो चरमरा गई। और ऐसे हालात खास तौर पर यदि देखा जाए तो मूल कारण जो वहाँ पर, एक तो रोड जो कंस्ट्रक्शन है, शायद उसमें कई प्रॉपर नियमावली नहीं देखी गई है। जब मेरी टीम ने यमुनोत्री धाम का दौरा किया, जानकी चट्टी, संगम चट्टी, और खास तौर पर जहाँ पर कि एक, हालांकि वहाँ पर बस अड्डा बहुत अच्छा बनाया गया है खरसाली में, लेकिन रोड कई जगह पर पुलों के नज़दीक दोनों तरफ पूरी तरीके से बनी हुई नहीं है, नियमावली पूरी फॉलो हो। और जिम्मेदार जो विभाग हैं, जैसे वन विभाग, PWD, जिला पंचायत का शायद आपस में अच्छा तालमेल पूरा नज़र नहीं आया, ये भी मूल कारण समझा जा सकता है जिससे कि जाम लगना। और प्रशासन का खास तौर पर ऐसा भी लगता है मानो प्रशासन का सरकार के मंत्री और उच्च अधिकारियों की आवाभगत में लीन होना भी एक वजह है इस साल चुनाव की वजह, मंत्रियों का बराबर आना जाना, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में BJP स्टेट में भी, और ये भी कारण होता है आवभगत बहुत देखने को मिलता है जब वहाँ पर हम रिपोर्टिंग करते हैं। यात्रा में लगी पुलिस, PRD, होमगार्ड पूरी तरीके से निर्दोष हैं, वो तो व्यवस्था बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब रोड ही सही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। यानी मैं यदि मुख्य पड़ाव की बात करूँ तो मुख्य पड़ाव के मुख्यालय बाजारों में लचर व्यवस्था है, कच्चे रास्ते और मुख्यालयों में कभी रेड़ी वाले, ठेली वाले, दुकान वाले बीच में आ जाते हैं, गाड़ियां खड़ी रहती है। यदि मैं मुख्यालय उत्तरकाशी की बात करूं, ज्ञानसू से लेके उत्तरकाशी तक वो हालात हैं। और सरकार जो अभी चार मुख्यमंत्री चले गए, चार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चले गए, तामाखानी जो द्वार है मुख्य, वहाँ पर अभी भी सरकार की नाकामी को दिखाता हुआ तामाखानी का जो डंपिंग जून है कचरा, वो अभी भी नदी में मिलता नजर आ रहा। सरकार इससे भाग नहीं सकती है, कितनी भी शक्ति बताए।
इसके अलावा वहाँ पर यदि जो बड़कोट से लेकर के यदि आप सिलक्यारा टू बड़कोट चलेंगे तो रोड के खस्ता हालात, मानो ऐसा लगता है PWD को नज़र नहीं आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे। अभी 20 दिन पहले मेरी टीम ने वहाँ पर दौरा किया था, पूरे हमारे कैमरे में कैद है। पुलों के नज़दीक जो घुमावदार सड़कें हैं वहाँ पर भी साइडों में बड़े बड़े पत्थर जो इकट्ठे हो रखे हैं, वो और व्यवस्था की शायद सख्त ज़रूरत है। ये मूल कारण हैं। और यदि मैं राज्य सरकार की बात करूं, स्थानीय लोगों की बात करूं, तो मानो ऐसे लग रहा जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं, यानी अपर शाही की बात करूं या अफसर शाही का चुनाव में उलझा रहना और सियासी जो वहाँ के हैं नेता उनका प्रचार में व्यस्त होना, ये भी वजह से हो सकती है। डंडी वाले, कंठी वाले, कंडी वाले, खच्चर वाले, पिछले साल भी बहुत खराब माहौल देखने को मिला था, अभी भी, और उनको शायद सुदृढ़ व्यवस्था बनानी होगी। इस साल तैयारी नज़र नहीं आई। जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था, पहले हमने खबरों का खंडन किया था, सरकार तो अब शायद जग रही है पूर्व में ही, और ऐसा लगा मानो डंडी वाले, कंडी वाले, कंठी वाले, खच्चर वाले रहे इंतजारी में, और आ गया श्रद्धालुओं और भक्तों का हुजूम और हो गई सड़कें जाम। तो एक ऐसा मूलभूत जो सड़कें हैं वो प्रॉपर मेंटेन हो, पुलिस की जो व्यवस्था है, जमीनी स्तरीय एक कार्य संस्था हो जो काम करे। और यदि मैं वहाँ नेगेटिव बात करूँ तो राजनेताओं के मानो ऐसे नज़र आते हैं जो राज्य स्तर के नेता लोग हैं, मोदी से भाषण चालू करना, मोदी पे ख़त्म करना, जिला स्तर के नेताओं का मुख्यमंत्री से नाम से चालू करना, भाषण मुख्यमंत्री पे ख़त्म करना, ये छोड़ करके धामों की यात्रा, हजारों लोग इस पे जुड़े होते हैं, एक समन्वय व्यवस्था हो, रूटीन हो, एक समीक्षा हो टाइम टाइम पर अधिकारियों से लेकर के तमाम, तो शायद अपोजिट भी सुस्त पड़ा रहता है। ऐसा लगता है माना कांग्रेस पार्टी और जो अपोजिट है वो पुतला फूकने तक ही सीमित रहते हैं। इस पुतला फूकने से बाहर आके सरकार को सलाह देनी होगी, समिति में शामिल किया जाना चाहिए और एक फोर्स बने। चारधाम यात्रा सुगम एवं सुखमय निगरानी समिति के साथ एक चारधाम यात्रा सुगम एवं सुखमय फोर्स का हो गठन। देखते रहिए चारधाम यात्रा खास बुलेटिन, माँ गंगा यमुना की पुकार, बद्री केदार का श्रृंगार पर लगातार देंगे आपको रिपोर्ट। जिसान के साथ महेश बहुगुणा, अमन न्यूज दिल्ली, और साथ में गंगा 24 एक्सप्रेस के लिए उत्तराखंड में। जय हिंद, जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, जय हिंद, जय भारत।